अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस। तो मेरा नाम है पिंकू और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल होम शेफ विद सिमरा में। तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं बल्कि अनबॉक्सिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके क्या रिव्यूज़ हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरे दो ऑर्डर्स आ चुके हैं जिसकी स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले एक ऑर्डर की करते हैं। तो ये हैं सम ऑर्डर डिटेल्स और मेरा फर्स्ट ऑर्डर जो आया है वो है वैनिटी बॉक्स। इसमें है 5 साइज़ वैनिटी बॉक्स जो कि बहुत पोर्टेबल हैं, आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। इसका क्वालिटी और इसका जो फैब्रिक था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो इसमें 5 साइज़ हैं, मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। इट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपको 5 साइज़ इसमें मिल रहेंगे और जस्ट 191 रुपीज़ में आप और क्या ही लेंगे। आपको 5 पीसेस के वैनिटी बॉक्सेस मिल रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा छोटा छोटा सामान खो जाता है ट्रैवलिंग के टाइम पे, हैंड बैग्स में या ट्रैवल बैग्स में। तो आप इसमें अपना छोटा सामान और एसेसरीज़, क्लिप्स वगैरह इसमें अच्छे से कैरी करके ले जा सकते हैं। पोर्टेबल है, कहीं भी कैरी करके ये जा सकता है आपके साथ। तो इसकी जो सबसे मिनी है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत क्यूट था वो साइज़ इसका। और इसके अंदर से क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड अपर साइड से भी इसकी परफेक्ट क्वालिटी है। और इसके स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 साइज़ में फ्रंट में इसका हैंडल दिया गया है होल्ड करने के लिए, और जो दो छोटे साइज़ हैं उनमें इसमें फ्रंट में नहीं अपर साइड पर दिया गया है। इस तरह से 3 स्टार्टिंग के साइज़ में हैं और 2 छोटे साइज़ में अपर साइड से है हैंडल्स होल्ड करने के लिए, लाइक दैट, इस तरह से। तो 191 रुपीज़ में ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, 5 पीसेज हैं कैरी करने के लिए। मेकअप भी कैरी कर सकते हैं, बैंगल्स कैरी कर सकते हैं, स्प्रेस या आपकी ज्वेलरी, एक्सेसरीज़, कुछ भी। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या इसमें कैरी किया हुआ था और कितना सारा सामान मैंने इसमें कैरी करा था। आप बैंगल्स भी कैरी कर सकते हैं, मेकअप भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब लार्ज साइज़ का है ये, इसमें आपकी छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत आराम से कैरी हो सकती हैं। तो जिस तरह से मैंने कैरी किया है इसे, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। इट्स माई सेकेंड ऑर्डर। तो ये दोनों ही ऑर्डर मैंने मीशो से किए हैं। और तो सेकेंड ऑर्डर में है मेरा हर्बल हेयर ऑयल। रिसेंटली मुझे हेयर प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि ये ऑयल मैं अपने लिए मंगवा लेती हूँ। और इसका मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ देखे ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब और ऑन फेसबुक। सब तरफ से मुझे इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। ये हर्बल ऑयल है, इसमें कोई भी इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव कलर्स या कोई भी केमिकल्स एडिंग नहीं है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें हर्बल है, नेचुरल है। तो मैंने सोचा इसको ऑर्डर करके देखते हैं और यूज़ करते हैं। फर्स्टली अभी तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, सबसे पहले सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। इसका गारंटी के साथ रिज़ल्ट आपको 1 मंथ में दिखने लगेगा। तो मैं आपको इंशाल्लाह 1 मंथ भी आफ्टर अपनी रिव्यू की वीडियो शेयर करूँगी। तो ये है आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल और इसको कैसे यूज़ करना है। आपको 10 मिनट्स के लिए मसाज करनी है विद योर फिंगर टिप्स ऑन योर स्कैल्प, और आप 10 मिनट मसाज करेंगे देन आपको छोड़ देना है ओवरनाइट के लिए फॉर बेटर रिज़ल्ट। और अगर आपको और बेटर रिज़ल्ट चाहिए तो आप 1 वीक में 2 टाइम्स इसको यूज़ करना है। अगर आपको और ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट इसके चाहिए तो आप 1 वीक में 3 टाइम्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें आपको मिलेगा कोकोनट ऑयल, ब्रिजराज लीव्स, करी लीव्स, तुलसी, नेचुरल अनियन ऑयल है, हिना लीव्स हैं, एलोवेरा जेल है, ब्लैक सीड ऑयल है, सिसमे सीड ऑयल है, कैस्टर ऑयल, आर्गन ऑयल एंड रोजमेरी ऑयल। ये सारे इन्ग्रीडियंट्स बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं और आपको इंग्रेडिएंट्स सुन के पता लग ही गया होगा कि ये कितने ज़्यादा नेचुरल हैं। इसमें इंक्लूडिंग अदर थिंग्स नहीं है, जैसे जड़ी बूटी का नेचुरल तेल होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही है। बहुत ज़्यादा ये स्टिकी नहीं है, अंदर से ग्रीसी नहीं है, नॉर्मल सा है। और आप इसको
फर्स्टली इसकी बहुत सारी कॉपीज़ आ गई हैं जो बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है लोगों के साथ। इसकी एज़ इट इज़ स्टिकर को कॉपी करके फेक ऑयल बेच रहे हैं। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहले बारकोड देखना है। अगर बारकोड है आप उसे स्कैन करेंगे गूगल से वेबसाइट पे जाके, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट वही मिलेगा जिसमें बारकोड होगा स्कैनिंग का। अगर बारकोड नहीं है तो वो फेक है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कॉस्टली ऑयल ये बाय किए बट वो फेक निकले। और इसका ओरिजिनल प्राइस है 1499 रुपीज़, यानी 1500, बट मुझे ये ऑफ़र में मिला है 500 की 2 बॉटल्स, यानी बाय वन गेट वन फ्री। ये एक बॉटल में है 125 ml, तो आपका ये आराम से 1 मंथ तक के चलेगा। मिनिमम ये आपको 6 मंथ तक के रेगुलर यूज़ करना है फॉर बेटर रिज़ल्ट। अगर आपकी 1 मंथ में 1 बॉटल जा रही है तो 6 मंथ्स में आपके 6 बॉटल आराम से ही यूज़ हो जाएंगी। और ये सिर्फ वुमेंस या गर्ल्स नहीं बल्कि बॉयज़ और मेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।